वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वेक्टर सदिश। बच्चों आज हम वेक्टर मेथड से वर्क डन निकालना सीखेंगे। सदिश विधि से बेटा आज हम कार्य निकालना सीखेंगे। वेक्टर मेथड से वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है। क्या होता है फॉर्मूला? एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। यहाँ एफ का मतलब बेटा फोर्स है, बल है, और डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा है किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे बेटा फोर्स लगाया, कितना? 3i प्लस 2j प्लस 4k। बेटा फोर्स को हमने एफ वेक्टर से बताया, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपसे कहा है किसी बॉडी पे फोर्स लगाया कितना, तो वह बॉडी क्या हुई? डिस्प्लेस हो गई, विस्थापित हो गई। कितना? तो उन्होंने कहा इस पॉइंट से इस पॉइंट पर वह क्या होगी? इतना विस्थापित होगी। तो बेटा हमें डी निकालने के लिए ये पॉइंट हमारी मदद करेंगे। कैसे? पहले पॉइंट को ए, दूसरे को बी मान लो। बॉडी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या हुई? विस्थापित हुई, डिस्प्लेस हुई। पहले पॉइंट को ए और दूसरे को बी माना। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कैसे निकालेंगे? हिंदी में कहते हैं ए का स्थिति सदिश, वह निकलेगा 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये बेटा ए का पोजीशन वेक्टर निकल गया, ए का स्थिति सदिश निकल। अब बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कैसे निकालें? बी का स्थिति सदिश इस तरह से 2i प्लस 5j प्लस 7k। ठीक है, ये निकल गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। हमें बेटा डी वेक्टर चाहिए। डी वेक्टर का मतलब हमें चाहिए बेटा ए बी वेक्टर। वह कैसे निकलता है? ध्यान से सुनना बेटा, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटा दो। कंफ्यूजन है, वापस से सुनिए। बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो। बाद वाला क्या है? बी, उसमें से ए को माइनस कर दो। कर देते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? 2i प्लस 5j प्लस 7k। माइनस क्या करना है? ए का पोजीशन वेक्टर, वो ये रहा 3i प्लस 4j प्लस 5k। हटाएंगे ये 2i प्लस 5j प्लस 7k। माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अंदर के साइन बदल जाएंगे। ये प्लस का है, माइनस का हो गया। ये प्लस का है, माइनस का हो गया। ये प्लस का है, माइनस का हो गया। अब बेटा माइनस या प्लस कैसे होता है? आई में बेटा आई जोड़ता घटता है, जे में बच्चों जे जोड़ता घटता है, और के में के जोड़ता और घटता है। ठीक है, आई में आई को जोड़ो तो क्या होगा बेटा? ये 2i, ये माइनस 3i, ये हो जाएगा माइनस का आई। ठीक है, ये 5j और ये माइनस का 4j घट जाएंगे, कितना बचेगा? प्लस का 1j, है ना। और बेटा ये प्लस का 7k, ये माइनस का 5k घट गए, कितने बचेंगे? प्लस का 2k। ठीक है, हमें डी वेक्टर मिल गया। लेकिन वर्क डन के लिए आपको एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर चाहिए, तो निकाल देते हैं वर्क डन। एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, एफ वेक्टर बेटा आपका ये रहा 3i प्लस 2j प्लस 4k डॉट डी वेक्टर। डी वेक्टर बेटा आपने ये निकाला, तो बेटा लिख लेते हैं ये क्या होगा? माइनस आई, इसे 1j लिखा, इसे माइनस 1i भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, और ये प्लस 2k। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट करना है, कैसे करते हैं? आई में आई का डॉट 1 होता है, इसी तरह से जे में जे का डॉट 1 होता है, और बेटा के में के का डॉट 1 होता है।
ठीक है। तो बेटा बाकी का क्या, आई में जे का, जे में के में आई का, जीरो होता है। ठीक है, तो बेटा हम डॉट प्रोडक्ट जो करते हैं तो सिर्फ आई में आई का, जे का, के का होता है, बाकी का क्यों नहीं होता, क्योंकि जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे। देखिए आई में आई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो थ्री का माइनस वन में मल्टीप्लाई कितना हुआ, माइनस का थ्री। ठीक है, और आई में आई का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा, वन। ठीक है, जे में जे का डॉट प्रोडक्ट करना है तो टू का वन में मल्टीप्लाई टू, जे में जे का डॉट प्रोडक्ट वन। ठीक है, के में के का डॉट प्रोडक्ट करना है, फोर का टू में मल्टीप्लाई एट, के का के में डॉट प्रोडक्ट वन। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये टेन हो जाएगा, टेन में से थ्री माइनस करोगे सेवन यूनिट्स। इस तरह से बेटा वेक्टर मेथड से आपने वर्क डन निकाला, सदिश विधि से हमने कार्य निकाला। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कोई बॉडी है जो बेटा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस हुई, विस्थापित हुई, तो बेटा उस पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, तीन फोर्स लग रहे हैं। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही अंतर, पिछले क्वेश्चन में बेटा आपको सिर्फ एक फोर्स दिया था, यहाँ बेटा आपको तीन फोर्स दिए। हमने पहले वाले फोर्स को F1 वेक्टर से बताया, दूसरे फोर्स को F2 वेक्टर से, और तीसरे फोर्स को F3 वेक्टर से बताया। ठीक है, सबसे पहले हमें वर्क डन के लिए F वेक्टर चाहिए, चाहिए मतलब रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, कुल बेटा बल चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम बेटा, इन तीनों फोर्सों को जोड़ देंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। F1 वेक्टर मतलब I प्लस J प्लस K, F2 वेक्टर मतलब माइनस 3i प्लस 2j माइनस K, और F3 वेक्टर मतलब J माइनस 2k। अब बेटा I में I जुड़ता घटता है, J में J जुड़ता घटता है, K में K जुड़ता घटता है। अब बेटा ध्यान देना, ये क्या है 1i और ये माइनस का 3i, कितने हो गए ये दोनों, माइनस के 2i। अब बेटा J की बारी, ये बेटा 1j, ये 2j, हो गए 3j, और ये बेटा 4j, तो प्लस 4j। ठीक है, अब k की बारी, ये प्लस का k है, ये माइनस का k है, क्या होगा बेटा, कैंसल हो जाएगा, ब्रैकेट हटेंगे तब। ठीक है, तो बचेगा क्या, माइनस का 2k। इस तरह से बेटा हमें f वेक्टर पता चल गया। अब बच्चों हम d वेक्टर निकालेंगे, विस्थापन सदिश निकालेंगे। पहले पॉइंट को ए और दूसरे को बी से बताया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कैसे निकलेगा, वो बेटा 2i प्लस j प्लस 3k होगा। ठीक है, और बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वो होगा 5i माइनस 2j प्लस 6k। ठीक है, अब बेटा हमें d वेक्टर चाहिए, तो वो बेटा ए बी वैक्टर से निकलेगा। ए बी वैक्टर कैसे निकालोगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके, कहने का मतलब पोजीशन वैक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वैक्टर ऑफ ए को माइनस कर दो, तो बी मतलब ये 5i माइनस 2j प्लस 6k, माइनस करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मतलब ये 2i प्लस j प्लस 3k, ये बेटा 5i माइनस 2j प्लस 6k। माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अंदर के साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का 2i है माइनस का हो गया, ये प्लस का j है माइनस का j हो गया, ये प्लस का 3k है माइनस का 3k हो गया।
अब बेटा 5i में से 2i माइनस करेंगे, कितने बचेंगे बेटा 3i। ठीक है, अब बेटा ये माइनस का 2j है और ये क्या है माइनस का j, जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे माइनस का 3j। ये 6k है प्लस का और ये माइनस का 3 है, घट जाएंगे 3k बच। ठीक है, अब बेटा हम वर्क डन निकालेंगे, फॉर्मूला लगा लेते हैं एस वेक्टर डॉट डी वेक्टर। एस वेक्टर क्या है ये लिखा मैंने, हमने पहले ही निकाला था माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2k। डॉट करना है डी वेक्टर का, डी बेटा आपने ये निकाला, ये रहा 3i माइनस 3j प्लस 3k। अब डॉट कर देते हैं, आई में आई का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कितना होगा ये माइनस का 2 और ये 3, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6। ठीक है, आई में आई का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, माइनस 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12, जे में जे का डॉट प्रोडक्ट 1। ठीक है, ये माइनस ये प्लस क्या हुआ माइनस 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6, के में के का डॉट प्रोडक्ट 1। अब ये सारे माइनस के हैं, सभी जुड़ जाएंगे, कितना आएगा माइनस का 24 यूनिट्स